नमस्कार। श्री रामचरित मानस अनुभूति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 22वां दिन है, तो आइए शुरू करते हैं। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरौ। दिवस 22 श्री रामचरित मानस अनुभूति कार्यक्रम लंका कांड चल रहा है। युद्ध प्रारंभ होने वाला है। संजीवनी बूटी प्रसंग होगा, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, कुंभकर्ण मेघनाथ प्रसंग होंगे, रावण का युद्ध के लिए प्रस्थान होगा, राम जी का विजय रथ होगा, सीता त्रिजटा संवाद होगा। सौभाग्य तो है राम कथा, हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। सुखासन लीजिए, संयम ध्यान धारणा पूर्वक राम जी के आज हम उस रूप की कल्पना करेंगे कि जब रावण रथ के ऊपर सवार होके आया है, बड़े रथियों महारथियों के साथ में, और भगवान राम जो है वो पैदल चल रहे हैं, और विभीषण ने राम जी को चलते हुए देखा युद्ध के लिए, तो उसके मन में एक घबराहट हो गई कि कैसे विजय होगी। तो रावण के बल का उनको अनुमान है, राम जी को अभी नहीं जानते हैं, इसीलिए उनको ऐसा लगा। तो राम जी क्या विश्वास है, कैसा रथ है, कैसे शस्त्र अस्त्रों से वो सुसज्जित होके विजय के लिए निकले हैं, ना हम राम जी के उन रूप की कल्पना करते हुए आज ध्यान करते हैं। ओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामं प्रभुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, वरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जान की, सदा करें कल्याण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। युद्ध की तैयारी, युद्ध प्रारंभ। माल्यवान का रावण को समझाना होगा। माल्यवान कौन है? रावण के मंत्री हैं, सलाहकार, परामर्शदाता, लेकिन उसकी माता के पिता हैं, नाना हैं। तो ये माल्यवान समय समय पर रावण को समझाते रहते हैं, हित की बात कहना जानते हैं। तो लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध होगा, युद्ध प्रारंभ हो रहा है। वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। ऐसे वीर घातिनी सी उसने ऐसी छोड़ी सांगी, ऐसा शस्त्र छोड़ा कि लक्ष्मण के हृदय में लगा, और फिर जो है मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, वो प्रसंग है। और हनुमान जी जब संजीवनी बूटी के लिए चलते हैं ना, तो लंका में एक बार को विजयनाथ सा हो जाता है कि लक्ष्मण गिरे हाँ, तो फिर तभी पता लगता है कि अरे हनुमान जा रहे हैं बूटी लेने के लिए संजीव, तो उनका रास्ता रोको। तो कालनेमी के पास, कालनेमी और रावण का संवाद होता है। बोलते हैं कि तू जा उसका रास्ता रोक, नहीं तो मैं तेरे को मारता हूँ। वही मारीच वाली बात।
तो काले में सोचते हैं कि हनुमान जी जा रहे हैं, राम जी का दूत के हाथ से मर जाऊं रावण से अच्छा, तो रावण के हाथ से मरने से, तो फिर कैसे ये कालनेमी का वध करते हैं हनुमान जी और संजीवनी बूटी तक पहुंचते हैं। और जब हिमाचल से बूटी लेकर आ रहे होते हैं तो रास्ते में अयोध्या के ऊपर से जाते हैं तो भरत जी एक बाण से नीचे उतार लेते हैं उनको, कि ये क्या इतना घोष होते हुए इतनी तेजी से आसमान में क्या चल रहा है। तो इस तरह से उन्होंने उनको उनका मार्ग अवरुद्ध किया, जानना चाहा कि क्या है ये, रोक दिया मतलब। तो फिर उतरते हैं हनुमान जी, भरत जी के साथ संवाद होता है, बड़ा दुख होता है उनको कि अरे मैं भाई के लिए क्या किया। तो उन्होंने कहा मेरे बाण पे बैठ जाओ, मैं बाण छोड़ दे। तो लेकिन हनुमान जी बड़ी विनय पूर्वक कैसे वहां से चल देते हैं प्रभु की लीला का स्मरण करके। तो उधर जाते हैं तो उधर राम जी बड़े प्रलाप लीला में हैं, सब कुछ जानते हैं, परम पुरुष परमात्मा है लेकिन नर वेश में है। तो नर लीला बिल्कुल यथोचित नर लीला जो है वो कर रहे हैं। भाई मूर्छित है वो, बहुत खेद में है। हनुमान जी आ जाते हैं तो सबको जैसे प्राण मिल गए फिर से एक बार। तो लक्ष्मण जी उठ बैठते हैं, बूटी क्या थी, उस बूटी का क्या नाम था, है ना। तो ये इस सब की छानबीन भी हम करेंगे। युद्ध प्रारंभ होता है, कुंभकर्ण प्रसंग होता है, कुंभकर्ण को जो है उठा देता है लक्ष्मण। अरे क्या किया तूने, किससे वैर कर लिया। कुंभकर्ण भी उठते ही, भाई पहले क्यों नहीं मेरे से पूछा, है ना। तो लेकिन अब तूने जो कर लिया है मैं तेरे साथ ही, इस तरह से युद्ध में चल देता है। बहुत ही भयंकर योद्धा है। और जब युद्ध में पहुंचता है तो विभीषण आगे बढ़ के प्रणाम करते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और कुंभकर्ण के साथ जो उसका संवाद है बहुत ही सुंदर भाव है कि भाई तू तू तो कुल का आभूषण हो गया, जो तू राम जी के चरणों में आ गया और उनके दर्शन पाए। बहुत सुंदर वार्ता है, सुनेंगे हम तुलसीदास जी के शब्दों में। और फिर कुंभकर्ण का भीषण युद्ध है और उसकी परम गति है। उसके बाद सारी लंका बड़ी शोक ग्रस्त हो जाती है, बड़ा भारी योद्धा रावण का भाई चला गया है, भयंकर योद्धा। तो मेघनाथ कहता है कि अब शोक करने की बात नहीं है, कल मेरा युद्ध देखना, मैं जाऊंगा कल युद्ध में। तो इस तरह से फिर ये भी भयंकर योद्धा है, इंद्रजीत कहा जाता है इसको। तो राम जी के ऊपर भी नागपाश से बांध डालता है उनको। और यज्ञ, फिर यज्ञ करने बैठ जाता है कि मैं जो है विजयी हो जाऊं। तो उस यज्ञ को विध्वंस नहीं करेंगे तो वो सफल हो जाता। तो उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वानरों आदि को भेजा और फिर मेघनाथ का उद्धार हुआ लक्ष्मण जी के हाथों। और इसके बाद रावण जो है वो युद्ध में प्रस्थान करता है युद्ध के लिए। जैसे चलता है भारी अपशकुन, बुरे बुरे जो है संकेत मिलते हैं चारों तरफ से। तो उधर जब वो युद्ध, कोई चीज की परवाह नहीं करता, बड़ा अभिमानी है, बड़ा जो कोई किसी की कुछ नहीं सुनता है। सुनता क्या, उसको तो पता है कि वो क्या करने जाता है। उसने तो पूरी सचेतनता के साथ वैर बांधा था ना राम जी से मिलने के लिए। तो राम जी पैदल रावण रथ के ऊपर, और विभीषण को जो घबराहट होती है वो राम जी से प्रत्यक्ष बोल देते हैं कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा। तो है, तो ये है वो जो राम जी की वार्ता है, उसको विभीषण गीता कहा जाता है। कि विभीषण ने जो विभीषण को राम जी ने जो बताया ना युद्ध के विजय का मंत्र, बहुत सुंदर है और वो सबके लिए है। तो रावण मूर्छित, या रावण का यज्ञ विध्वंस होता है, रावण युद्ध होता है, फिर इंद्र जो है राम जी के लिए रथ भेजते हैं। तो राम रावण संग्राम है। तो हमारी कथाओं में जो है ना भाव पक्ष को ज्यादा लिया है, युद्ध का वर्णन इतना इतना सारा है, ऐसे लगता है कि पल पल के, हर दिन के युद्ध को, हर पल को चित्रित किया है। तो
तुलसीदास ने ही रामचरितमानस में देख के इतना लगता है। यदि वाल्मीकि रामायण में जाएंगे तो कौन से शस्त्र कैसे इस्तेमाल करें, इतनी डिटेलिंग है कि ऐसे लगता है कि वाल्मीकि कितने बड़े योद्धा रहे होंगे, कितना उनको ज्ञान रहा होगा जो सारी चीजें लिख पाए, बता पाए। तो युद्ध के पलों को कम और भाव पक्ष को ज्यादा चित्रित कर रहे हैं। और जब हम पूरी रामचरितमानस पढ़ेंगे तो युद्ध का एक-एक जो है पद हमारे सामने आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। युद्ध आरंभ होता है, विभीषण रावण युद्ध होता है। ये पॉइंट्स लिखे हैं कि ये आपको हो कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ। हो सकता है हम उसको उतने अच्छे से कवर नहीं करें। रावण का विभीषण पर शक्ति छोड़ना, राम जी का शक्ति को अपने ऊपर ले लेना, विभीषण को सेव करना, फिर राम रावण हनुमान युद्ध होता है, घोर युद्ध, प्रचंड युद्ध। तो रावण द्वारा माया रचना करी जाती है, राम जी द्वारा माया का नाश कैसे होता है, रावण की मूर्छा हो जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि रावण मरने में ही नहीं आता, हाथ कटते हैं हाथ आ जाते हैं, सिर कटता है सिर आ जाता है। तो शाम हो जाती है, सेना थक जाती है, राम जी भी श्रांत जो थकावट अनुभव कर रहे होते हैं। तो सीता त्रिजटा संवाद होता है उस समय में, बहुत ही सुंदर है कि सीता को पल पल की खबर युद्ध की मिल रही है वहां, ये अब क्या हुआ आप क्या हुआ, और बड़ी सी बड़ी अफवाहें भी उड़ा के उनके पास भेजी जाती हैं। तो त्रिजटा एक ऐसा संबल है सीता जी के पास में जो उन्हें हर हाल में सही बात बताती हैं, सही आश्वासन देती हैं और उनके दुख को हरती हैं अपनी वाणी के द्वारा, जो है अपने वाणी से उनको जो है उनके संताप का हरण करती हैं। तो सीता त्रिजटा संवाद बहुत ही सुंदर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि कल जिस पॉइंट पे हमने कथा छोड़ी थी कि एक शांति के अंतिम प्रयास के लिए कि वास्तव में क्या रावण जो है युद्ध को ध्यान से हटा के संधि कर सकता है। हाँ, तो युद्ध तो अंगद को भेजा गया, अंगद गए और अंगद के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध है कि अंगद ने जो रावण की सभा में पैर दबाया ना, कि एक तो दूत पहले आया था और एक मैं आया, उससे तुम बड़े त्रस्त हो, चलो ये लो मेरा पैर हटा के दिखाओ। तो जब अंगद पैर जमाता है तो दरबार के लोग, बड़े बड़े लोग आके उस पैर को हिलाने की कोशिश करते हैं, वो पैर नहीं हिलता। तो अंत में रावण उठ के उस पैर को हिलाने लगता है। अरे तो अंगद कहते हैं, अरे पापी मेरे पैर पड़ने से क्या होगा, राम जी के पैर पड़ जाके। हाँ, तो बहुत ही सुंदर बात है। तो अंगद फिर लौट आते हैं, देखते हैं कि किसी भी तरह से युद्ध टलेगा नहीं, है ना। तो आके सारी बात जो है राम जी को समझाते हैं। तो इस तरफ देखिए, अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री राम जी हंसने लगे। सारी अंगद ने जो बात क्यों की, वो तो अकेला गया था, तो उसने जब बात सारी बताई तो बड़ा एंटरटेनमेंट हुआ सबका। तो बाली पुत्र ने किले के सारे समाचार बता दिए, वो भी सारी खबर वहां की लेके आ गए। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तो राम जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और जो लंका के जो चार विकट दरवाजे थे, चार कोट चार जो है द्वार थे, मुख्य द्वार, तो उन पर कैसे आक्रमण किया जाए इस पर विचार करा, नीतियां निर्धारित करी। तब वानर राज सुग्रीव, वृक्षपति जांबवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण रघुनाथ जी का स्मरण किया और सबने अपना अपना कर्तव्य निश्चित किया, कौन क्या क्या करेगा। वानरों के चार दल बनाए गए, उनको जो जो चाहिए जैसे सेनापति चाहिए थे सब नियुक्त किए, है ना। फिर युद्धपतियों को बुला लिया और बोले कि सब सिंह के समान गर्जना करके दौड़ते हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं, सिर नवाते हैं, पर्वतों के शिखर ले लेकर सारे वीर दौड़ने लग जाते हैं अपने अपने सुनिश्चित किए गए गंतव्य की तरफ। तो कौशल राज रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए वानर और भालू गरजते हैं, लंका को जो है
अत्यंत अजेय किला जानते हुए भी वानर भगवान राम जी के प्रताप से निडर होकर चल पड़ते हैं। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह से लंका को चारों तरफ से घेर लिया। और जो है युद्ध का एक नियम होता है कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले जो युद्ध के जो वाद्य बजाए जाते हैं, अब वानरों के पास कहाँ से वाद्य आए, तो वो चारों दिशाओं से लंका को घेर कर अपने मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लग गए। देखिए तो लंका के चारों द्वारों पर युद्ध का डंका बज गया है ना। और जो है महान बल की सीमा वानर भालू सिंह के समान अत्यंत उत्साहित होकर राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय, ऐसे कह कह के गर्जना करने लगे। अब वो पता नहीं रावण सेना इतनी ऐसे उधर से आक्रमण के लिए तैयार थी या नहीं थी है ना। तो बड़ा भारी कोलाहल कोराम मच गया। अहंकारी रावण ने उस शोर को सुन के कहा, अरे इन बंदरों की ढिठाई तो देखो, अरे कितने बेशरम बंदर हैं, जाओ अपनी सेना को बुलाया और बोला कि ये देखो इनकी मौत आई है, ये काल की प्रेरणा से चले आए हैं। अरे मेरे राक्षस सारे भूखे हैं हाँ, क्योंकि मंत्री ने कहा था ना कि वो तो हमारे खा जाएंगे राक्षस। तो रावण ने वही कहा कि देखो इन्होंने इनको ईश्वर ने घर बैठे ही भोजन दे दिया। और बड़े जोर से हंसा रावण और बोला कि जाओ चारों दिशाओं में जिसको जो कोई रीछ वानर मिले खा जाओ। तो ऐसा हो रहा है, झुंड के झुंड चल रहे हैं, माल्यवान जो है रावण को समझा रहे हैं। रावण का नाना श्रेष्ठ मंत्री सलाहकार रावण लंका में मंत्रियों को रावण ने बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबको सबसे बताया। तो उस दिन का युद्ध हुआ, चल पड़े, मारकाट मची है ना, वानरों ने बड़े हुड़दंग मचाया। ठीक है, तो वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब जल्दी बताओ क्या क्या उपाय करना चाहिए। देखिए पहले दिन का युद्ध, माल्यवान नाम का वृद्ध राक्षस था, रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। उसने अत्यंत कोमल वाणी में पवित्र नीति वचनों द्वारा रावण को समझाना चाहा, कुछ सीख देनी चाहिए। तो लेकिन लेकिन रावण को चाहिए कि वैर छोड़कर जानकी जी को रामचंद्र जी को सौंप दे, ऐसे बोले। लेकिन उसको बाण के समान लगते हैं ये वाक्य। तब रावण ने अत्यंत तिरस्कार पूर्ण शब्दों से अपमानित करते हुए माल्यवान को निकल जाने के लिए कहा। माल्यवान ने सोचा कि अब कृपा निधान राम जी इसको मारना ही चाहते हैं, इसका काल आ ही गया है। तो वो वहां से चला गया। और तब यहाँ फिर जो है माल्यवान गया, तब मेघनाथ को बहुत क्रोध आया और पिता को आश्वस्त करके कहने लगा कि कल युद्ध में अपनी करामात दिखाएगा। पुत्र के वचन सुन के अच्छा लगा, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध होने लग जाता है। प्रचंड योद्धा मेघनाथ ने समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं, नल नील द्विविद सुग्रीव बल की सीमा अंगद हनुमान कहाँ है, अरे भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है, आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य मारूंगा। मतलब ऐसी प्रतिज्ञा करके ऐसा तहलका मचा देता है कि हनुमान जी क्रोध करके दौड़ते हैं, आकाश में उड़ जाता है, फिर रघुनाथ जी के पास जाता है, तरह तरह से दुर्वचन कहता है। हाँ? तो राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर मूर्ख फिर लज्जित हो गया। तो उसने जो शस्त्र छोड़ा, राम जी ने सबको काट के अलग कर दिया। तो मायावी मेघनाथ है, तरह तरह के युद्ध करता है। हाँ? मायावी, कभी अंगारे बरसाता है, कभी पृथ्वी से जल की धाराएं निकलने लगती हैं, पिशाच पिशाचिनिया नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करते हैं, विष्ठा पीप खून बाल हड्डियां बरसाता था कभी, और बहुत तरह से पत्थर फेंक देता था कभी, कभी धूल बरसा बरसा के चारों तरफ ऐसे अंधेरा कर देता था कि कुछ सूझता नहीं था। तो राम जी ने एक बाण से उसकी सारी माया ऐसे काट डाली कि जैसे सूर्य अंधकार के समूह को नष्ट कर देता है ना। और अपनी कृपा दृष्टि से वानरों भालुओं को देखा है ना, और उनके संताप का हरण किया। तो ऐसा युद्ध भारी हुआ है
कि खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है, उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। ऐसा दृश्य देखिए, युद्ध जो है ना कभी विभत्स रस है, बहुत ही जुगुप्सा है ना, तो युद्ध का वर्णन भी अप्रिय है। तो चलिए हम कथा में आगे पढ़ते हैं कि लक्ष्मण जी से भिड़ गया, और उसका भी एक कारण था। लक्ष्मण जैसे योद्धा थे वैसा ही मेघनाद भी था। बाद में बताएंगे कि क्यों लक्ष्मण जी ही उसके काल बने, हाँ तो ये आएगा। तो अभी देखिए प्रभु की लीला है। वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। उसने ऐसी सांगी छोड़ी कि लक्ष्मण जी के हृदय में लगी। लक्ष्मण मेघनाद युद्ध, वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय सियाराम। नाना विधि प्रहार कर से शारा, चस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी, वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई सती के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। जामवंत कह बैद सुषेणा, लंका रहई को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। हरि रघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। राम पदार बिंदु सिर नायो आई सुषेण, कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। राम चरण सर सिजूर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। उहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि ग्रह आवा। तस मुख कहा मरम तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिरु धुना। देखत तुमहि नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। भजि रघुपति करु हित आपना, छाड़ू नाथ मृषा चलपना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भीरामा। मैं तै मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहनि सी सूदत जागू। काल व्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीती सोई। सुनी दस कंठ रिसान ती, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरो, यह खल रत मल भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। अस कही चला रचि सी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। माया
मारुत सुत देखा शुभ आश्रम मुनि बोझ जल पियो जाय श्रम राक्षस कपट बेश तह सोहा माया पति दूत ही चह मोहा जाई पवन सुत नायउ माथा लाग सो कहे राम गुण गाथा मागा जल तेहि दीन कमंडल कह कपि नहीं अघाउ थोरे जल सरमंजन करिया तुर आवहु दीक्षा देहु ज्ञान जेहि पावहु कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु पाछे हमहि मंत्र तुम देहु सिर लंगूर लपेटी पसारा निज तनु प्रगटे सिमरती बारा राम राम कही छाड़े सी प्राणा सुनि मन हर्षि चले हनुमाना राम राम कही छाड़े सी प्राणा सुनि मन हर्षि चले हनुमाना। हाँ जी, वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट में आ गए हैं, ये मेरे प्राण हर लेंगे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेज पुंज शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी और उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी लक्ष्मण उनसे कैसे उठते। तब वो लजाकर चले गए। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी और सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे हैं। और राम जी लक्ष्मण जी के विषय में पूछते हैं कि कहाँ है लक्ष्मण। तब तक हनुमान जी उन्हें लेकर आ गए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर भगवान ने बहुत दुख माना, है ना। तो जाम्बवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे लाने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और जो है सुषेण को ले आए। और उन्होंने बताया कि जामवंत कह बैद सुषेणा, लंका रही को पठई लेना। छोटा रूप धर के गए और भवन के समेत उठा लाए। हाँ, तो राम जी को सिर नवाया और औषधि का नाम बताया और बोला कि पवन सुत जाकर लेकर आएंगे। अब रामचरण सरसिजूर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। प्रभंजन के पुत्र चल दिए अः ऊटी लेने के लिए। अब यहाँ पर आपके लिए ये प्रश्न है कि इस पॉइंट को आप वाल्मीकि रामायण में चेक करिएगा, जरूर बूटी का नाम दे रखा होगा कि वो ये संजीवनी बूटी। मैंने कल पढ़ा था तो थोड़ा सा फर्क है, जामवान जी ने बताया था तो थोड़ा सा कथा। सुषेण अगर लंका का वैद्य था तो देखिए उस समय के एथिक्स क्या थे। शत्रु नगरी का वैद्य है, उसको लेके आ रहे हैं और वो हमारे हित की बात बता रहे हैं। देखो एथिक्स ये है कि उसको आने को मैंने पढ़ा तो कहीं पाया कि लंका में रावण का राज वैद्य था। ओके, तो उसको नहीं रोका लेकिन उसका मार्ग रोकेंगे कि हाँ भाई हनुमान जी बूटी लेने जा रहे हैं, उनको रोको। तो इस तरीके से ये बात हुई। तो वाल्मीकि रामायण में दिया 4 बूटियां बताई, मृत संजीवनी, विशल्य करणी, सुवर्ण करणी, संधानी। तो ये 4 बूटियां हनुमान जी को बताई और बताई कि वो जगमग जगमग कर रही होंगी, उनको लेके आना हिमालय से। तो वो रास्ता भी अयोध्या के ऊपर से होके जाता है, तो ऐसा दक्षिण भारत से सोचिए, रात ही रात में उनको वहां जाके लेके आना है। आज कौन सा बायर जाके रात ही रात में आ सकते हैं सोचिए। तो क्या वेग रहा होगा पवन प्रभंजन सुत का। ओके, तो उसका हनुमान जी का लंका में पता चल गया कि अरे हनुमान जा रहे हैं बूटी लेने। हाँ, तो फिर गुप्तचर ने जब बताया रावण को, बोला कि चलो उसका रास्ता रोकते हैं, कैसे पहुंचेगा, बस ये सुबह तक काम हो जाएगा फिर, है ना।
तो विलंब हुआ तो लक्ष्मण के प्राण संकट में है ये पता चल गया, तो कुचक्र बनाया, चल दिया कालनेमी के घर में। अब कालनेमी कौन था ये भी मैंने ढूंढा तो पाया कि मारीच का पुत्र था, रावण का भाई और मंत्री था कालनेमी। कालनेमी के पास पहुंचकर रावण ने उसको सारा मर्म हाल बता दिया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा। तो जो है कालनेमी ने सुना और खेद प्रकट किया। उसने कहा अरे रघुनाथ जी का भजन करके अपना कल्याण करो, हाँ झूठी बकवास छोड़ दो, नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो, अरे पूर्णता ममता को त्याग दो, है ना। तो ये तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर को जला डाला उसका मार्ग कोई रोक सकता है, तुम्हारी तुम्हारे नगर में आके तुम्हारी नगरी को जला गया, क्या झूठी बकवास कर रहे हो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम राम जी को ध्यान ध्यान में करो, अरे मैं और मेरा तू तेरा छोड़ दे इसको सब कुछ, है ना। तो कौन सी अज्ञान की रात्रि में सो रहे हो, जाग उठो। मतलब कैसा है कि वो हित की बात कितनी खतरनाक है उसके लिए तो भी रावण को बता रहा है। अब रावण की बात रावण ने सुना और वो तो क्रोधित हो गया, मारने को तैयार हो गया कि ले तेरे को मैं बताऊं, हाँ तो राम जी के दूध के हाथ से ही मर जाऊं, इससे अच्छा तो इस रावण से पापी के हाथों मरने से। तो उसने कहा तो चल चल दिया वो, और क्या किया व्यवधान उपस्थित करी, माया एक ऐसा जैसे जो है सुंदर मंदिर तालाब बाग बगीचा और कपट मुनि का वेश बना के वहां बैठ गया। हनुमान जी थोड़ा आगे चले, सुंदर आश्रम देखा, उन्होंने कहा थोड़ा मुनि से पूछ के जल पी लूं जिससे थोड़ी थकावट भी दूर हो जाए, हाँ। तो कालनेमी तो वहां कपट मुनि बैठा था और वो वैसे ही मोहित करना चाहता था, राम जी के गुणों की कथा करने लग गया जैसे बड़ा भक्त होए, हाँ बातों में उलझा रहे कालनेमी। हाँ हनुमान जी ने उसे जल मांगा तो कमंडल दे दिया और कहा कि जाओ स्नान करके आओ मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो हनुमान जी जब पानी पर पहुंचे तालाब में प्रवेश किया तो एक मगरी ने अकुला के हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, हाँ। तो जब और हनुमान जी ने उसको मारा, जान से मार दिया, जान से मारा तो मरने से पहले वो अप्सरा थी कोई, और उसने बोला कि ये जो कोई कपट मुनि है ये तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए खड़ा है। तो इस तरह हनुमान जी गए और जो मारुत सुत देखा सुबह आश्रम मुनि बूझी जल पियो जाई श्रम, है ना। तो मागा जलते ही दीन कमंडल हो गया। तो अब सर मज्जन कर आतुर आओ दिशा देव ज्ञान जय पाओ, मैं तुमको ज्ञान दूंगा। कभी आके बोल रहे हैं कि अरे पहले गुरु दक्षिणा तो ले लो ज्ञान बाद में देना, और ये पूंछ में लपेट के उसको ये पछाड़ा तो वो मरती बार जो है राम राम कह के उसने प्राण छोड़े कालनेमी ने। और सुनी मन हरषि चले हनुमाना, हनुमान जी राम जी का नाम सुना और आगे बढ़ गए। और अब जो है अब ये संवाद भी भरत जी वाला है, पहले हम गा लेते हैं फिर हम कथा की बात करेंगे। ठीक हनुमान जी है। संजीवनी पहुंचे हिमालय पर्वत पर सीधा अपने गंतव्य पे। बूटी हनुमान भरत संवाद। मंगल भवन अमंगलहारी कहउँ सो दशरथ अजिर बिहारी। देखा सैल नाव औषध चीना सहसा कपि उपार गिरिलीना। कहि गिरि निसि नभ धावक भयउ अवनपुरी ऊपर कपि गयउ। देखा भरत विशाल अति निसि चर मन अनुमानी। बिनु फरसायक मारे ओ चाप श्रवण लगी तानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
परे मुरछि महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाए कपि समीप अति आतुर आए। बिकल बिलोकि कीस उर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भए दुखारी कहत वचन भरी लोचन वारी। जो मोरे मन बचे अरुकाया प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम सूला जो मो पर रघुपति अनुकूला। तात गहरु होई तो ही जाता काज न साई होत प्रभाता। चल मम सायक सैल समेता पठवाऊ तो जह कृपा निकेता। तव प्रताप उर राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद बंदी चले ओ हनुमंत। हनुमान जी ने पहुंचकर महान पर्वत देखा, हिमालय पर पहुंच गए हनुमान जी, पर औषधि नहीं पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही रात में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्या के ऊपर से जा रहे हैं। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में सोचो पहाड़ लेके जो जा रहे हैं तो कितना विशाल ता का उनको एहसास हो गया कि क्या पहाड़ का पहाड़ चले जा रहा है। तो अनुमान किया कि वह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का बाण मारा। बिना फल का बाण मतलब कि वो रोक देगा, नीचे गिरा देगा, जान से नहीं मारेगा। तो बाण लगने से ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर धरती पे गिरे। तो प्रिय राम राम सुन के भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आ गए। हनुमान जी को देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, हनुमान जी व्याकुल हैं, बहुत तरह से जगाया पर जाग नहीं रहे थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, बहुत दुखी हो गए, नेत्रों से आंसू आ गए। और कहते हैं कि जिस विधाता ने मुझे राम जी से विमुख किया उसी ने फिर ये भयानक दुख भी दे दिया। अरे यदि मन वचन और शरीर से राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। देखिए ऐसे बोला और हनुमान जी उठ खड़े हुए, राम जी की जय हो, ऐसे करते करते बैठ गए। भरत जी ने भ्राता राम जी का नाम सुना तो हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आनंद प्रेम के आंसू आ गए। लेकिन हनुमान जी व्यग्र है, जाने के लिए समय नहीं है बिल्कुल भी, तुरंत पहुंचना है ना। तो हनुमान जी ने बड़े संक्षेप से सारी बात कह के तुरंत उनसे विदा मांगी कि ये समय विपरीत है तो इस समय रोकना ठीक नहीं है। तो भरत जी ने भी उनको हनुमान जी को क्या कहा कि हे तात जो है देखो, तो कपि हो विगत श्रम शूला प्रीति राम पद कमल माया। यदि मेरी प्रीति हो तो ये विगत श्रम हो जाए है ना। चढ़ मम सायक सैल समेता पठवो तो ही जहाँ कृपा, मेरे बाण के ऊपर बैठ जाओ, जहाँ राम जी हैं सीधा वहां पहुंचा देगा। तो फिर हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा तुमको जाने में देर होगी, सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहीं भेज दूं जहां कृपा के धाम राम जी है। हे नाथ मैं आपका प्रताप हृदय में धरकर तुरंत चला जाऊंगा, ऐसा कह के हनुमान जी ने आज्ञा मांगी और भरत जी की वंदना करके चल पड़े। तो इस तरह से है कि भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव,
गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी जो है चले जा रहे हैं। अब इस तरफ जो है राम जी जो हैं बहुत ही चिंतित हैं, आधी रात बीत गई है, हनुमान जी आए हैं, छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया, साधारण मनुष्यों की तरह से विलाप कर रहे हैं। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव हमेशा से कोमल था, तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया मेरे लिए और वन में जाड़ा गर्मी हवा सब सहन किया। हे भाई, अब वो प्रेम कहाँ गया? मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर तुम उठ क्यों नहीं रहे? अगर मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन उसे कभी पिता का वचन भी ना मानता, है ना? स्त्री के लिए प्यारे भाई को छोड़ के मैं कौन सा मुंह लेके अयोध्या जाऊंगा? देखिए, राम जी प्रलाप कर रहे हैं, नर लीला सब कुछ जानने वाले जो हैं इस समय पूर्ण जो है नर लीला में है। हे तात, तुम अपनी माता के प्राणाधार हो, सब प्रकार से सुख देने वाला और हितकारी जानकर उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, मैं जाके उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? बहुत तरह से सोच कर रहे हैं, हाँ, आंसू का जल बह रहा है, लीला किए गए प्रलाप को सुनकर कानों में सुन के सारे वानर जो है व्याकुल हो जाते हैं, और इतने में ही हनुमान जी आ जाते हैं। देखिए, तो राम जी की वाणी को हम तुलसीदास जी के शब्दों में सुनते हैं। लक्ष्मण मूर्छा हनुमत संजीवनी बूटी प्रसंग श्री राम की प्रलाप लीला। मंगल भवन मंगल हारी रवहुँ सो दशरथ अजीर बिहारी, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धराती गए कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उरलायो, सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहेहु बिपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई, जौं जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु, जय हऊँ अवध कौन मोह लाई, नारी हे तू प्रिय भाई गवाई, निज जननी एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, सौंपे सी मोहि तुमही गहि पानी, सब विधि सुखद परमहित जानी, उतरु का देहु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन।
से छुड़ाने वाले राम जी तरह तरह से सोच कर रहे हैं। उसी समय में जो है ऐसे हनुमान जी आ गए जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले मिले। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी तरह वहां पहुंचा दिया जैसे पहले लेकर आए थे। तो हनुमान जी का लौटना और सब उठ बैठना लक्ष्मण जी का सुनते हैं हाँ जी, हर्ष प्रसंग। लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग, हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर लौटना और लक्ष्मण जी का उठ बैठना। प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भय बानर निकर, आए गयो हनुमान, जिमी करुणा महावीर रस। हरषि राम भेटे हनुमाना, सीता सीताराम राम जय जय सीताराम। अति सीताराम, कृतज्ञ अति कृतज्ञ प्रभु परम परम सुजाना, सुजाना, सीताराम जय सीताराम। तुरंत तुरंत बैंद तब कीन उपाई, सीताराम जय उपाय सीताराम। उठ उठ बैठे बैठे लक्ष्मण हर्षाई, सीताराम जय सीताराम। हृदय लाई प्रभु भेटे उभ्राता, सीताराम जय सीताराम। हर्षे सकल भालु कपि प्राता, सीताराम जय सीताराम। कपि पुनि बैद तहां पहुंचावा, सीताराम जय सीताराम। जही विधि तबहि ताहि लैयावा, सीताराम जय सीताराम। हाँ जी, इस तरह से निराशा में आशा एकदम हनुमान जी के आने से एक बार पूरा माहौल बदल गया और खुशी छा गई। तो उसके बाद जो है अगले दिन जो युद्ध होता है ना, रावण और कुंभकर्ण का संवाद होता है। रावण कुंभकर्ण को भाई को जगाने जाता है। जब समाचार रावण ने सुना, ओ लक्ष्मण उठ गए स्वस्थ हो गए, तो फिर सिर धुनता है, अपना सिर पीटता है, बहुत दुख से भर जाता है और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास जाता है। बड़े उपाय करके उसने भाई को जगाया और कुंभकर्ण उठ के बैठा तो कैसा लग रहा है जैसे काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने दशानन से उसके कुशल समाचार पूछे। उस अभिमानी रावण ने उसे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था सारी कथा सुना दी। अपनी विजय की बात समझ लीजिए। रावण ने फिर बताया कि वानरों ने सारे राक्षस मार दिए। फिर बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार हुआ। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नारांतक, भारी योद्धा, अतिकाय, अकंपन, महोदर, दूसरे रणधीर जो हैं युद्ध में मारे गए हैं। अरे कुंभकर्ण तो बहुत ही दुखी हुआ, बोला अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर ला के अब कल्याण चाहता है। अरे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया भाई। अगर अब भी अभिमान छोड़ के राम जी को भज ले तो कल्याण हो जाएगा। हे रावण, जिसके हनुमान जैसे सेवक हैं वो रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बहुत बुरा किया, जो पहले मुझे आके ये हाल क्यों नहीं बताया। तो हे भाई, अब तो तू अंतिम बार जो है ना, अंक बार, मतलब मेरे से गले मिल ले, अच्छे से मिल ले, भेंट कर ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र राम जी के दर्शन करूं मैं। तो इस तरह से जो है कुंभकर्ण रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। देखिए रावण से करोड़ों घड़े मदिरा, अनेकों भैंसे मंगवाए। खाकर जो है उसको खाना बहुत पसंद था, 6 महीने सोना और एक दिन जागना, ऐसा देवताओं की उससे ये इस कथा को पता करिएगा। 6 महीने सोता था वो, एक दिन जागता था। तो जो है वज्रपात, बिजली गिरने के समान जो है गर्जा, मद से चूर्ण, रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण जो है किला छोड़ के सेना भी साथ नहीं ली,
अकेला ही राम जी से लड़ने के लिए चल दिया, रावण के हित में राम जी के दर्शन और युद्ध करने के लिए चल दिया। तो ये कुंभकर्ण संवाद सुनते हैं, बहुत सुंदर है, अच्छा लगेगा आपको गाना, इसको गाइए। तो कुंभकर्ण प्रसंग रावण कुंभकर्ण संवाद। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। यह वृतांत दशानन सुनयो अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयो। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा विविध जतन करि ताहि जगावा। जागा निसिचर देखिए कैसा मानहु कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी जेहि प्रकार सीता हरियानी। तात कपिन सब निसिचर मारे महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी भट अति काया कंपन भारी। अपर महोदर अधिक वीरा परे समर मही सब रण धीरा। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकरण बिलखान। जगदम्बा हरियानी अब सठ चाहत कल्याण सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। भल नकीन ते निसिचर नाहा अब मोहि आए जगाए काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना भजहु राम होई कल्याणा। आह बंधु तें कीनी खोटाई आह बंधु तें कीनी खोटाई। प्रथम ही मोहि न सुनाई हाई। अब भरी अंक भेटू मोहि भाई लोचन सुफल करूं मैं जाई। अब भरी अंक भेटू मोहि भाई लोचन सुफल करूं मैं जाई। श्याम गात सरसी रुह लोचन देखौं जाई ताप त्रय मोचन। राम रूप गुण सुमेरत मगन भयउ छनए। रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। महिष खाई करी मदिरा पाना गर्जा वज्राघात समाना। कुंभकरण दुर्मद रण रंगा चला दुर्ग तजि सेन न संगा। कुंभकरण दुर्मद रण रंगा चला दुर्ग तजि सेन न संगा। सुंदर जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। चल दिया कुंभकर्ण रण में, उधर विभीषण से भेंट होती है, भाई है। अब देखिए दोनों भाई राम भक्त पाए, हाँ, तो उनका क्या संवाद होता है, बड़ा सुंदर है कि क्या कैसे क्या वार्ता होती है। पहले हम गा लेते हैं, फिर इसके अर्थ की बात करें। कुंभकर्ण प्रसंग विभीषण कुंभकर्ण संवाद। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। देखी विभीषण आगे आयो परउ चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय तेहि लायो रघुपति भक्त जानी मन भायो।
तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। सिंगलानी रघुपति पहियायो, देखी दीन प्रभु के मन भायो। सुन भयउ काल बस रावन, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयउ तात निसिचर कुल भूषण। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयउ तात निसिचर कुल भूषण। बंधु बंस तै कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। वचन कर्म मन कपट तजी, भजेउ राम रन धीर। जाहु न निज पर सूज मोही, भयउ काल बस अबीर। वचन कर्म मन कपट तजी, भजेउ राम रण धीर। जाहु न निज पर सूज मोहि, भयउ काल बस बीर। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयउ जह त्रै लोक विभूषण। नाथ भूधरा कार सरीरा, कुंभकरण आवत रण धीरा। नाथ भूधराकार सरीरा, कुंभकरण आवत रण धीरा। सुन सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारे सैन। मैं देखो खलबल दलही, बोले राजीव नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। हाँ जी, आगे चल रहे हैं। कुंभकर्ण आए हैं, विभीषण को देखा और विभीषण ने प्रणाम करके अपना नाम बताया कि मैं विभीषण आपको प्रणाम करता हूँ, है ना। छोटे भाई को हृदय से लगा लिया, रघु भगवान का भक्त जान के बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो विभीषण बोलता है कि तात, रावण ने मुझे लात मारी थी जब मैंने उसको हित की बात कही ना, तो उसने मुझे लात मार के इसी ग्लानि में, इसी अपमान से मैं यहाँ आ गया। और जो है भगवान ने मुझे दीन देख के अपना लिया। तो सुन भयउ काल वश रावण, अरे मैं भी उसको सिखा रहा था, ये रावण तो काल के वश है ना। तो हे विभीषण, तुम तो धन्य हो, धन्य हो। तुमने जो तुम तो निशिचर कुल का, राक्षस कुल का भूषण बन गए हो। हे बंधु, तुमने वंश को उजागर कर दिया। जो राम जी सुख सागर की शोभा, शोभा के सुख सागर राम जी को भज रहे हो, है ना। तो अब जो है, लेकिन तुम जो है अब मेरी आंखों से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं अपने वश में नहीं हूँ। क्योंकि वो युद्ध करने आया ना, और विभीषण सामने शत्रु पक्ष में खड़ा है, तो ये कह रहा है कि जो है, जाहु ना निज पर सूझ मोई, भयउ काल बस वीर। हे भाई, अभी काल के वश ही हो रहा हूँ, तुम एक तरफ हो जाओ, है ना। तो भाई के वचन सुन के विभीषण चला गया, और जो है भगवान को आके बता रहा है कि भूधराकार शरीर का कुंभकर्ण जो है, रणधीर जो है, वो आया है। तो भगवान राम ने बोला, सुग्रीव, विभीषण, हैं लक्ष्मण, अनुज, तुम जो है सेना को संभालो, मैं देखूं खल बल दलही, बोले राजीव नयन। तो भगवान के हाथों जो है कुंभकर्ण ने जो है शरीर छोड़ा और अमर पद पाया। तो उधर जो है मेघनाथ, अगले दिन मेघनाथ, उसने बहुत शोकग्रस्त हो गए सब। मेघनाथ ने बोला कि राम जी की लीला लीला भारी मायावी युद्ध कर रहा है, तो इस युद्ध को हम आगे बढ़ते हैं। मेघनाथ ने विजय के लिए जाके एक यज्ञ करना चाहा, हाँ उसमें जाके बैठ गया। उस यज्ञ को वानरों ने जाके विध्वंस किया, और उसको वहां से उठा के खींचते हुए लेके आ गए।
और लक्ष्मण जी के साथ जो युद्ध हुआ, तो ये जो है जो निर्णायक युद्ध हुआ, मेघनाथ ने प्राण छोड़े, और मेघनाथ भी मारा जाने वाला नहीं था, केवल लक्ष्मण ही उनका वध कर सकते थे, ऐसा ये एक अंतः कथा है जो पुरानी रामचरितमानस में है। मेघनाथ की पत्नी जो है सुलोचना उसका नाम था, तो उसकी कहानी है। तो कैसे, किसने मारा, नाथ आपको कौन मार सकते थे, आप बताओ तो सही इस तरह से, तो उसका जो लिख के बताओ, मुझे उसका नाम लिख के बताओ, इस तरह से वो बड़ी सती थी। तो मेघनाथ को वो ही मार सकता था जो 14 वर्ष तक, पता नहीं 12 साल तक सोया ना हो, तो वो केवल थे लक्ष्मण ही थे, क्योंकि वो तो सुरक्षा में थे, राम जी की सुरक्षा में थे, जाते रहते थे, प्रहरी बन के रहते थे, कई कुछ ऐसी शर्तें थी। तो मेघनाथ की जो अंतः कथा जो है ना, वो आप पता करेंगे कि कैसे, कि किस तरह से, और युद्ध क्या हुआ, युद्ध भी बहुत मायावी युद्ध था, मैंने थोड़ा सा पहले बताया था। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि अब रावण जो है ना, जब सारे योद्धा मारे गए तो उसको युद्ध में उतरना ही था, तो जो है रावण युद्ध के लिए जब चलता है, तो कैसे अपशगुन हो रहे हैं, हाँ, चारों तरफ से मेघनाथ, यज्ञ विध्वंस और युद्ध होता है, मेघनाथ का उद्धार होता है, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना का प्रसंग आप पढ़ेंगे जरूर, हाँ जानेंगे, और इधर जो है राक्षसों की अपार सेना चल रही है, युद्ध के लिए रावण चल गया, रात बीत गई, सवेरा हुआ, सब वीर वीर वानर भालू फिर से दरवाजे पर आ गए, लंका के चारों कोट घेर लिए। अब दशानन ने सोचा, अब युद्ध में जाकर विमुख होने से तो भला ही नहीं है, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही वैर बढ़ाया था, जब शत्रु चढ़ आया है तो मैं ही अब जाके उसको उत्तर दूंगा, तो इस तरह से जो है चल पड़ा। तो अपशगुन हो रहे हैं, पर अपनी भुजाओं के बल पर बड़ा गर्व होने से उनको गिनता ही नहीं है, गर्व के कारण जो है शगुन अपशगुन का विचार नहीं कर रहा, हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़ के चिंघाड़ते हुए भागने लगते हैं, स्यार गीद कौवे गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो और मृत्यु का संदेशा सुना रहे हो, राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिणी सेना की बहुत सारी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार से रथ और सवारियां हैं, बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं ध्वजाएं हैं, मतवाले हाथियों के झुंड रावण के साथ चल रहे हैं, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों, रंग बिरंगे बाना धारण करने में वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं, बहुत प्रकार की माया जानते हैं, ये देखिए इस तरह से, और जो है इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, पवन रुक गया, पृथ्वी अकुला उठी, ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हो, भेरी नफीरी तुरही शहनाई योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है, सब वीर सिंहनाद करते हैं, अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं, और रावण ने भी कहा, कहे दसानन सुनाऊ सुभट्टा, मर्दऊ भाली कपिन के ठट्टा, हो मारियू भूप दो भाई, अस कहे सन्मुख फौज रेंगाई, है ना। तो ऐसे करके जो रावण चल रहा है, उस तरफ राम जी की जय जयकार हो रही है, वानर भी उसी उत्साह के साथ जो है युद्ध में ऐसे ही जा रहे हैं। तो अब क्या होता है कि रावण अपनी पूरी राजसी साज सज्जा से रण क्षेत्र में उतरा है, इधर रामादल में जब विभीषण ने राम जी को देखा तो क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर भावपूर्ण चित्रण किया है, तो पहले हम इसको गाते हैं फिर इसको बोलेंगे। राम जी का विजय रथ,
श्री राम विभीषण संवाद। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत सुरथ अजिर बिहारी। रावण रथि बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाव संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, केही विधि चितब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईश भजन सारथि सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, पर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद वित्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म मय अस रथ जाके, जीतन कह न कतौ रिपुता के। सखा धर्म मय अस रथ जाके, जीतन कह न कतौ रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीति सकै सो वीर। जाके असरथ होइ दृढ़, सुनौ सखा मति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। हाँ जी, रावण को रथ पर और रघुवीर को बिना रथ के देख के विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। राम जी के चरणों की वंदना करके स्नेह पूर्वक कहने लगे, बड़ी विनम्रता से, हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, न जूते ही है, है ना, तो न तन पद त्राणा, जो पद त्राण भी नहीं है, जूतियां भी नहीं है, वे बलवान वीर रावण किस तरह से जीता जाएगा। राम जी क्या कहते हैं, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है ना, वह रथ दूसरा ही है। जे ही जय होई सो स्यंदन आना, स्यंदन होता है रथ, जिससे विजय होगी वो रथ हमारे पास है, लाए हैं। सौरज धीरज तेई रथ चाका, शौर्य धीरता शौर्य जो है उसके पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल विवेक दम और परोपकार चार घोड़े हैं, जो क्षमा दया समता रूपी रस्सियों से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। देखिए, ईश्वर का भजन क्या क्या काम कर सकते हैं, है ना, कैसे कार्यों को सुचारू रूप दे देते हैं। वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है, निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकश के समान है, जो है निर्मल पाप रहित अचल स्थिर मन तरकश के समान है। शम जो है मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मण और गुरु का भजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। गुरु की विद्या काम आती है संकट में। देखिए, हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो, उसके जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है, है ना। तो हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है।
महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर जाके अस रथ होई दृढ़ सुनऊ सखा मति धीर। ये रावण ये विभीषण गीता के नाम से ये वार्ता कही जाती है। बहुत सुंदर है, बहुत विस्तार के साथ मनन करने के लायक है, बहुत ध्यान देने लायक है। तो ओके, अब हम यहाँ रोकेंगे। जो है राम रावण संग्राम होता है, ये सीता त्रिजटा वा हम संवाद पे पहुंच जाते हैं सीधा। जो है राम रावण युद्ध होता है, प्रचंड संग्राम होता है दोनों तरफ से कई तरह से। तो एक समय ऐसा आता है कि रावण का सिर काटते हैं, सिर आ जाता है, हाथ काटते हैं, हाथ आ जाता है, मतलब कि मारने में नहीं आ रहा है, हारने में नहीं लग रहा है। तो उस समय जो राम रावण संग्राम में सीता त्रिजटा की जो बात होती है उस पे बात करते हैं। सुनैना जी। जी, श्री राम रावण संग्राम सीता त्रिजटा संवाद। तेहि निसि सीता पहि जाई, त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई। सिर भुज बाणी सुनत रिपु केरी, सीता उर भय त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटासन बोली तब सीता। कोई कहा कहसी किन माता, केहि विधि मरी विश्व दुख दाता। रघुपति सर सिर कटे हु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सदैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लछिमन कहु कटु बचन कहाय। बहु विधि कर बिलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की। मंगल भवन अमंगलहारी, त्रवहु सोदशरथ अजीर बिहारी। कहे त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। कहे त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। प्रभुता ते उर हतई न तेही, प्रभुता ते उर हतई न तेही। एही के हृदय बसती वैदेही। कहे त्रिजटा सुनु राजकुमारी, एही के हृदय बस जानकी, उर मम पास है, मम उदर भुवन अनेक रागत, पान सब करनास है। सुनी बचन हर्ष विषाद, मन अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरी रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। कहत हाँ जी सीता जी। सिर होइहि बिकल, छुटि जाइहि तव ध्यान। सब रावण हृदय महु, मरि हई राम सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अस ऐसे कहीं कही बहुत भांति समझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिर बैदेही, उपजी रह बिथाति तेही। राम
सुभाव सुमिरि बैदेही, उपजी रह बिथाति तेही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ जी, त्रिजटा जो सेना सीता जी कह रही हैं, हे माता बताती क्यों नहीं, क्या होगा, ये संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला आतताई रावण कैसे मरेगा, ये रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता, विधाता सारे चरित्र उल्टे कर रहा है, बहुत दुखी हो रही हैं। और कृपा निधान राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगने से मरेगा। और जो है सारे जो बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा, रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। क्यों? तो जो है जान भगवान ये सोच के बाण नहीं मारते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे हृदय में अनेकों भुवन है, तो इसलिए रावण को बाण नहीं मार रहे हैं हृदय में। जब इसके हृदय में बाण पड़ेगा ना, तो जो है ये मरेगा। तो सीता जी खुश हो गई। और फिर त्रिजटा ने कहा, हे सुंदरी महान संदेह का त्याग कर दो, अब सुनो शत्रु कैसे मरेगा, सिरों के बार बार कट जाने से वो व्याकुल हो जाएगा, उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, और जैसा ही तुम्हारा ध्यान छूटेगा राम जी उसके हृदय में बाण मार देंगे। ऐसा कह के सीता जी को बहुत तरह से समझा के संशय छोड़ दो, तो वो त्रिजटा जो है अपने घर चली गई, और जो है राम जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई कि कब मरे रावण, है ना। तो इस तरह से बहुत सुंदर प्रसंग है। और इस पॉइंट पे मैं बताना चाहती हूँ कि इसी शाम जो है अगस्त्य ऋषि, जो कि वशिष्ठ जी के भाई हैं, दक्षिण भारत में हैं, राम जी के पास आते हैं और उनको एक मंत्र दे के जाते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में आप बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उस स्तोत्र को पढ़िएगा। उनको बोलते हैं कि राम कल सुबह दिन चढ़ते तुम सूर्य की आराधना करना, और उनको जो है आदित्य हृदय सुनाते हैं, भगवान सूर्य की प्रार्थना के मंत्र जो है वो सुनाते हैं, और तुम रावण पर विजय कल प्राप्त कर लोगे। तो ये जो बहुत सुंदर बात जो है ये आप वाल्मीकि रामायण में देखिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र जो है विजय का मंत्र है, भगवान राम को अगस्त्य ऋषि के द्वारा दिया गया मंत्र है, और निश्चय ही अगले दिन रावण वध होता है। तो हम हमारी कथा में भी कल रावण वध होने वाला है, हम भी कल भगवान सूर्य की आराधना करके मिलते हैं। तो चलिए इसके आप खोजबीन जिज्ञासा समाधान सुनैना जी देखिए कैसा आग्रह है, कैसा समय है, जैसे आपको ठीक लगे। जी उमा जी, समय तो काफी हो गया है, आज 7:20 हो रहे हैं। मदन जी ने लिखा है, राम राम, आई हैड ऑलरेडी सेंट द मेल टू व्योमा मैम। वी आर ब्लेस्ड बाय गॉड दैट वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू दिस रामचरित कथा, एंड वेरी मच थैंक्स टू उमा मैम, सुनैना मैम एंड ऑल्सो व्योमा। रियली वी आर इमर्स्ड इन दिस एंड नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आर फीलिंग्स। थैंक यू सो मच मदन जी। हम लोग चेक कर लेंगे जो आपने मेल भेजी है उसको। चंचल वाधवा जी कुछ कहना चाहती हैं? आई थिंक जल्दी सात जल्दी कह बीस दीजिए। हाँ मैम 5 मिनट रखते हैं, जो कुछ कहना हाँ चाहे संक्षिप्त में कहे प्लीज। थैंक यू। गोपाल जी आप बोलिए जब तक चंचल जी अनम्यूट करती हैं। आपने एक ही चौपाई ये दोहा दो तीन राग में गाती है तो मेरे को बहुत जलस है। आप भी गाएंगे? बहुत बहुत जलस है। ये सारे जो भी इन्होंने गाया आपके पास पहुंचने वाला है बहुत जल्दी। 151 रिकॉर्डिंग हो गई है हमारी, तो ये इस 151 रिकॉर्डिंग्स वी हैव यूज्ड इन दिस प्रोग्राम, ये सब आपको इस रामचरितमानस की भेंट, इस प्रोग्राम की भेंट मिलने वाली है बहुत जल्दी।
थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू ऑल फॉर सो मच ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। थैंक यू मैडम, आपने इतना डिटेल में बता रहा है कि हमको रामायण पढ़ने का आवश्यक नहीं है, इतना डिटेल में बता रहा है आपने, बहुत अच्छा है। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू सो मच। चंचल जी आप दोबारा ट्राई करना चाहेंगी? हाँ प्लीज। हाँ जी हाँ हाँ जी, राम जी राम जी। ओके आप मिला, मैंने आपको पहले लिखा था कि मुझे ये होता है जब वो भगवान राम विलाप कर रहे हैं, कहते हैं एक जननी के तुम एक कुमारा, निज जननी के तुम एक कुमारा। तो उनके तो दो बेटे हैं ना, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, और भगवान राम ये क्यों कह रहे हैं? ये इस पर अनुसंधान करके आते हैं, कल इस पे बात करते हैं। तो ये जरूर बताइए, मुझे हमेशा से लगता है कि वो उन्होंने मेरी अकल अपने की कोई लिए कहा कमी है। या उनके लिए कहा, निज जननी अपने लिए कहा या उनके लिए कहा, पता नहीं। अच्छा, पर हाँ मुझे मुझे पता नहीं, इसकी आशंका होती है और हमेशा मुझे, पर आप दोनों इतनी वो हैं कि मुझे लगता है आप जरूर जवाब देंगी मेरा, दोनों को कोटि कोटि। हम ढूंढते हैं इसका समाधान, देखते हैं, क्योंकि मिलजुल के ही होगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा होगा। राम 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 जी, राम राम। राम चंचल जी, तो यहीं पे आज समाप्त करते हैं, काफी समय हो गया है, कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू सो मच। आपके शब्द हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, बहुत उत्साह बढ़ाते हैं और बहुत प्रेरणा देते हैं। थैंक यू सो मच। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम, आभार, धन्यवाद, मिलते हैं।